तापसी पन्नू। इनर फिल्म इंडस्ट्री का काफी टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस है। और बता दोस्तों, उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही तापसी पन्नू की बॉक्स ऑफिस कैश एनालिसिस के बारे में बात करने वाली हूँ। और अगर आप हो तापसी के फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, झुम्मांदी नादम। ये 2010 का तेलुगु म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है और इसमें मनोज मंजू तब से लीड रोल में नजर है, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। नंबर 2, आदुकलम। ये 2011 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें धनुष और तापसी लीड रोल में नजर है और इसमें पेट्टिकरण अपने शहर में मुर्गा फाइटिंग के लिए काफी सक्सेस है और बाद में उनका साथ कारप्पू का कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है। और ये फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड में टोटल 6 अवार्ड जीता है और इस फिल्म को मिला है काफी पॉजिटिव रिव्यू, जहाँ पर इसका बजट था 10 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 35 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 3, वस्तादु ना राजू। ये 2011 का तेलुगु एक्शन फिल्म है और इसमें विष्णु मंजू और तापसी लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक गैंगस्टर नरसिम्हा का कहानी से जुड़कर स्टोरी को दिखाई है और इसका हिंदी डब यूट्यूब पर अवेलेबल है डेयर डेविल नाम से और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा हिट। नंबर 4, मिस्टर परफेक्ट। ये 2011 तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें रेबल स्टार प्रभास, काजल अग्रवाल तापसी लीड रोल में नजर आई है। और अगर स्टोरी की बात करूँ तो इसमें विकी, प्रिया और मैगी तीनों के बीच में एक लव ट्राइंगल को दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपर हिट। नंबर 5, वीरा। ये 2011 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें द मस्त महाराजा, रवि तेजा, काजल अग्रवाल और तापसी लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर श्याम प्रसाद का कहानी से जुड़कर स्टोरी को दिखाई है और जो फिल्म 100 डेज तक सक्सेसफुली रन किया था और ये फिल्म रहा एवरेज। नंबर 6, वंथन बेंद्रन। ये 2011 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें जीवा और तापसी लीड रोल में नजर है और ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर 7, मोगोडू। ये 2011 का तेलुगु ड्रामा फिल्म है और इसमें गोपी चांद तापसी लीड रोल में नजर है और ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर 8, डबल्स। ये 2011 का मलयालम एक्शन ड्रामेडी फिल्म है और इसमें मेगास्टार मामूती, नादिया और तापसी लीड रोल में नजर है और ये फिल्म भी रहा फ्लॉप। नंबर 9, तारुवु। ये 2012 का फैंटेसी एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें द मास महाजर, रवि तेजा, तापसी पन्नू लीड रोल में नजर है और इसमें बुलेट राजा को गुण बाबू ने मर्डर करते हैं और बाद में कहानी में कैसे ट्विस्ट आते हैं वह इसमें दिखाई है और ये फिल्म रहा हिट। नंबर 10, गुंडे लो गोदारी। ये 2013 का एडवेंचर ड्रामा फिल्म है और इसमें आदि पिन्नी शेट्टी, तापसी पन्नू और संदीप किशन लीड रोल में नजर आई है और इसमें माली और चैत्र के बीच में प्यार को दिखाई है और ये फिल्म रहा एवरेज। नंबर 11, चश्मे बद्दूर। ये 2013 का हिंदी स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें अली जफर, तापसी लीड रोल में नजर आई है और बता दें दोस्तों, इसी फिल्म के साथ तापसी ने अपने बॉलीवुड डेब्यू किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा हिट। नंबर 12, शैडो। ये 2013 का तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें वेंकटेश, श्रीकांत, तापसी लीड रोल में नजर आई है और इसका हिंदी डब अवेलेबल है मेरी जंग वन मैन आर्मी नाम से, पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। नंबर 13, सहसम। ये 2013 का एक्शन एडवेंचर फिल्म है और इसमें माचिस्टर, गोपी चंद, तापसी लीड रोल में नजर आई है और इसमें गौतम कुमार एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे ट्रेजर गारू द लॉकेट को ढूंढने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई है और इसका हिंदी डब है रियल जैकपॉट नाम से और ये फिल्म रहा हिट। नंबर 14, आरंबम। ये 2013 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें थलाजीत कुमार, आर्या, नयनतारा, तापसी लीड रोल में नजर आई है। इसमें एक ऑनेस्ट ऑफिसर अशोक एक गवर्नमेंट स्कैंडल को अनकवर करने के लिए कैसे मिशन सेट करते हुए इसमें दिखाई है और ये फिल्म उस वक्त काफी पॉपुलर फिल्म रहा और ये फिल्म रहा सुपर हिट। नंबर 15, बेबी। ये 2015 का हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें खिलाड़ी अक्षय कुमार, तापसी, राणा दग्गुबाती लीड रोल में नजर आई है। और अगर स्टोरी की बात करूँ तो इसमें काउंटर इंटेलिजेंस कैसे एक मास्टरमाइंड द्वारा इंडिया के अंदर होने वाले टेररिस्ट अटैक से बचाने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा हिट। नंबर 16, कंचना 2। और ये 2015 का तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म है और इसमें राघव लॉरेंस, नीथिया मेनन, तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आई है और जहाँ पर सभी लोग इसकी स्टोरी जानते हैं कि इसमें कुछ आत्मा ने मिलकर कैसे उन लोगों का मर्डर का रिवेंज लेते हैं वही इसमें दिखाई है और जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कमाई
120 crore aur film raha blockbuster. Number 17 Pink. Ye 2016 ka court drama action film hai aur isme Big Bi Amitabh Bachchan Tapsee Pannu lead role mein nazar aaye hain. और इसमें तीनों यंग लड़के जब एक क्राइम पे फंस जाते हैं तब कैसे एक रिटायर्ड लॉयर स्टेप लेते हैं वही इसमें दिखाई है। और ये फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं और अभी इस फिल्म को तेलुगु में वकील साहब नाम से रिमेक बना जा रही है। और बता दोस्तों ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर 18 रनिंग शादी। ये 2017 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें अमित शाह तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आई है और ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर 19 द घाजी अटैक। ये 2017 का तेलुगु हिंदी हिस्ट्रिकल वॉर फिल्म है और इसमें राणा दग्गुबाती तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आई है। और अगर स्टोरी की बात करूं तो इसमें 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर पर बेस्ड है और ये फिल्म भी तेलुगु फिल्म के हिसाब से नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है और ये फिल्म रहा हिट। नंबर 20 नाम शबाना। ये 2017 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें तापसी पन्नू किलर अक्षय कुमार पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आई है और ये फिल्म रहा एवरेज। नंबर 21 आनंद ब्रह्मा। ये 2017 का तेलुगु कॉमेडी हॉरर फिल्म है और इसमें तापसी पन्नू श्रीनिवास लीड रोल में नजर आई है। और अगर स्टोरी की बात करूँ इसमें हॉन्टेड घर से जुड़ाकर कहानी को दिखाई है और इसका हिंदी डब अवेलेबल है कांचना 3 नाम से और ये फिल्म रहा हिट। नंबर 22 जुड़ा 2। ये 2017 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें वरुण धवन जैकलिन फर्नांडिस तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आई है और इसमें दोनों ट्विन भाई राजा और प्रेम कैसे अंडरवर्ल्ड की स्मगलिंग वर्ल्ड के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई है। और जहाँ पर इसका बजट था 65 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 220 करोड़ और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर 23 दिल जंगली। और ये फिल्म रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है शकीब सलीम तापसी लीड रोल में नजर है और ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर 24 सुरमा। ये 2018 का बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और इसमें हॉकी प्लेयर संदीप सिंह का लाइफ को दिखाई है और बता दूसरे इसमें दिलजीत दोसांझ और साथ में तापसी लीड रोल में नजर आई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा एवरेज। नंबर 25 मुल्क। ये 2018 का ड्रामा फिल्म है और इसमें तापसी पन्नू ऋषि कपूर राजत कपूर लीड रोल में नजर आई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा एवरेज। नंबर 26 नेवी वाड़ू। ये 2018 का तेलुगु थ्रिलर फिल्म है और इसमें आधीप तापसी पन्नू रितिका सिंह लीड रोल में नजर आई है। और अगर स्टोरी की बात करूँ तो इसमें यंग लड़की वेनेला अपने ग्रुप को लेकर एडुकेटेड ब्लाइंड लड़कों को टारगेट करते हैं और उन लोगों से कैसे ब्लैकमेल करके सारे पैसे लूट लेते हैं वही इसमें दिखाई है और इस फिल्म को मिला है काफी पॉजिटिव रिव्यू और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर 27 मन मर्जिया। ये 2018 का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें अभिषेक बच्चन तापसी पन्नू विकी कौशल लीड रोल में नजर आई है और बता दूसरे इसमें रॉबी रूमी और विकी तीनों के बीच में एक लव ट्राइंगल को दिखाई है और ये फिल्म रहा एवरेज। नंबर 28 बदलाव। ये 2019 का मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इसमें बिग बी अमिताभ बच्चन तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आई है। एंटरप्रेनर नैना जब उनके बॉयफ्रेंड के मौत होते हैं तब उन्होंने कैसे एक मर्डर केस में फंस जाते हैं वही इसमें दिखाई है और इसमें तापसी की परफॉर्मेंस को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर 29 गेम ओवर। ये 2019 का तमिल तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है और इसमें तापसी को लीड रोल में नजर आई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा हिट। नंबर 30 मिशन मंगल। ये 2019 का ड्रामा फिल्म है और इसमें किलर अक्षय कुमार विद्या बालन तापसी पन्नू निधिया मेनन और जब इसका बजट था 32 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 290 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 31 सांत की आंख। ये 2019 का बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इसमें तापसी भूमि पेडनेकर लीड रोल में नजर आई है पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। नंबर 32 थप्पड़। ये 2020 का ड्रामा फिल्म है और इसमें तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक मैरिड कपल के बीच में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता है तो वो कभी भी कोई छोटी सी बात नहीं है वही इसमें दिखाई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा एवरेज। और बता दोस्तों तापसी पन्नू ने अपने इसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। नंबर 33 हसीन दिलरुबा। ये अपकमिंग क्राइम मिस्ट्री फिल्म है और इसमें विक्रांत मैसे तापसी और हर्षवर्धन राणे लीड रोल में नजर आएंगे और बता दोस्तों ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकते हैं। नंबर 34 रश्मि रॉकेट। ये अपकमिंग हिंदी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और इसमें तापसी पन्नू प्रियांशु लीड रोल में नजर आएंगे। मैं गुजरात का एथलीट रश्मि का कहानी को दिखाया जाएगा। नंबर 35 लूप लपेटा। ये अपकमिंग थ्रिलर फिल्म है और इसमें तापसी पन्नू ताहिर राज लीड रोल में नजर आएंगे और बता दूसरे ये फिल्म
जर्मन फिल्म रन लोला रन इस फिल्म का हिंदी रिमेक होगा और ये फिल्म रिलीज होगा 22 अक्टूबर 2021 में। नंबर 36 सुभाष मिठू, ये आपका बायोग्राफिकल फिल्म है और इसमें हमको तपस्या पन्नूकोल लीड रोल में नजर आएंगे। और अगर स्टोरी की बात करूँ तो इसमें इंडियन वुमेन का ओडीआई क्रिकेट टीम का कैप्टन मिथाली दोराईराज की कहानी को दिखाया जाएगा। दोस्तों ये रहा तपस्या पन्नू की सारे बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस के बारे में। और ऐसे फिल्मों से कौन सी फिल्म आपका सबसे फेवरेट है कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।